है भाई जी। ये दिनांक 7/10/2022 को हमारे पास एक ऑनलाइन कंप्लेंट प्राप्त हुई थी खड़गपुर निवासी अभिषेक परमार की, जिसमें उसने बतलाया था कि उसके किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उसका जान पहचान का व्यक्ति कोई रिश्तेदार बनके और उसके खाते से 99,500 रुपये का फ्रॉड कर लिया गया, जिसके संबंध में हमने अभियोग दर्ज करके और अभियोग की तफ्तीश अमल में लाई और अब तफ्तीश के दौरान वो पैसे जिस जिस खाता में गए थे उनके सभी बेनिफिशियरी की डिटेल हासिल की। तो जिसमें हमें एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ, जिसमें पाया गया कि कुछ लोग हैं जो जॉब लगवाने के नाम पे ऑनलाइन बैंक खाते खुलवाते हैं मारुति में जॉब लगवाने के नाम पे, और उन खातों को फिर वहीं बैठे बैठे गुड़गांव में ट्रांसफ़र करा लेते हैं, एटीएम ट्रांसफ़र करा लेते हैं, और वहाँ पे कोई डमी एड्रेस था जिससे वो एटीएम प्राप्त करके और उन एटीएम को आगे फ्रॉडस्टर में बांट देते हैं, बेच देते हैं। तो जिसके संबंध में हमने ब्लू डार्ट कंपनी से और संबंधित डिटेल हासिल करके और दो व्यक्तियों को हमने डिटेन करके उनसे पूछताछ की, जिनमें आबिद और आबिद पुत्र फखरुद्दीन, ये कतराली गांव का अलवर जिला, और दूसरा वाजी पुत्र महबूब, ये भी अलवर का ही, ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों फर्जी अकाउंट खोलकर और उनको नौकरी लगवाने के नाम पे डमी एड्रेस पे ये खाते मंगवाते थे लोगों से और उसके बदले में ये आगे फ्रॉडस्टर को बेचते थे भरतपुर राजस्थान में। इनको हमने जांच की, इनसे पूछताछ की, पूछताछ के दौरान इनसे हमने टोटल 39,200 रुपये बरामद किए गए और दोनों से कुल 4 एटीएम जो इन्होंने अलग अलग व्यक्तियों के नौकरी लग मारुति में नौकरी लगवाने के नाम पर खुलवाए गए थे, वो एटीएम बरामद किए गए। अब तक इस बारे में हमने JCCT की टीम को दिखाया, अभी उसकी पूरी डिटेल प्राप्त नहीं हुई है, जैसे डिटेल प्राप्त होगी आपको बता रहा हूं। तो फिर ये लोगों से ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करते थे, ऑनलाइन ऐड डालते थे, कोई फेसबुक पे ऐड डाल दी, कोई इंस्टाग्राम पे ऐड डाल दी, इस तरह से ऐड डालते थे, लोग इनके झांसे में आ जाते थे, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के नाम पे ही उनका खाता खुलवाते थे, ऑनलाइन ही खाते खुलवाते थे, उनके आईडी वगैरह मंगवा के ऑनलाइन और उनके एटीएम एक डमी एड्रेस पे मंगवा लेते थे कि आपका एटीएम हमने कंपनी में जमा करवाना है, डिटेल प्राप्त होगी वो आपको करा देते हैं। पुलिस के बारे में बाकी बकाया आरोपी हैं जो भरतपुर के हैं, उनके बारे में उनकी गिरफ्तारी बकाया है, जिनकी रेड की गई थी और आगे तफ्तीश जारी है। जैसे अपील है कि कोई भी किसी भी ऑनलाइन काम करने के नाम पे वर्क फ्रॉम होम के नाम पे किसी के झांसे में ना आए, अगर आपको कोई इस तरह का कोई काम करना भी है तो पहले उसको वेरीफाई करें, कोई अननोन व्यक्ति आपको फ़ोन करके आपकी कोई पर्सनल डिटेल मांगता है, आपके बैंक खाते मांगता है, तो ऐसे अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर ना करें। अभिषेक, हाँ सिंगल में दी थी, अभिषेक है कोई खड़गपुर से, उसने शिकायत